हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको Realme Watch 2 के बारे में बताने वाला हूं, जो ग्लोबली लॉन्च हो गया है और बहुत ही जल्द आपको जो है वो इंडिया में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, Realme Watch 2 जो ये वॉच है वो Realme Watch का सक्सेसर जो है वो बनकर आएगा और बहुत कुछ जो है वो चेंज किया गया है इस वॉच में। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ इन डिटेल की क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और इस ये वॉच का प्राइस क्या होने वाला है, सभी कुछ जो है मैं आपको आज इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूँ। So guys, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये जो वॉच है इसमें आपको इसका जो स्ट्रैप है उसमें डेयर टू लीप जो है वो वहाँ पे इंप्रिंट किया गया इसके स्ट्रैप्स पे, और इसका जो डायल है वो स्क्वायर होने वाला है, स्क्वायर डायल है जिसका जो साइज़ है वो है 1.4 इंच का। आपको जो वो टच डिस्प्ले मिलने वाला है, कलरफुल डिस्प्ले जिसका पिक्सल्स पर इंच है 323 पिक्सल्स पर इंच आपको इसमें मिलता है, और 600 निट्स का जो है वो पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो डिस्प्ले है वो कलरफुल टच डिस्प्ले दिया गया है इसमें। इसमें आपको 100 प्लस वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे, उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और इसको आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं Realme लिंक ऐप के थ्रू। और ये जो वॉच है इसमें आपको 90 प्लस जो है आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको बॉक्सिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस ऐसे कर बहुत सारे जो है वो स्पोर्ट्स मोड जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी ह्यूज चेंज किया गया है Realme Watch S एंड Realme Watch में। आपको जो है वो सिर्फ 14 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते थे, बट अभी जो है वो आपको 90 प्लस जो है वो आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे इस वॉच में, Realme Watch 2 में। हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर एंड SpO2 सेंसर मीन्स ब्लड ऑक्सीजन लेवल सेंसर जो है वो आपको, इन दोनों सेंसर जो है आपको इसमें मिल जाता है देखने को, 24/7 वो मॉनिटर करता रहेगा और आपको जो है वो इसके ऐप के थ्रू, Realme लिंक ऐप के थ्रू आपको नोटिफाई करता रहेगा। और इसमें आपको हेल्थ ट्रैकिंग और स्लीप ट्रैकिंग का भी फीचर दिया गया है, तो वो भी आपको इसमें इंक्लूडेड है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह आप इसमें कर सकते हैं, और इसमें आपको जो है वो ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट मिलता है। और इसको एक और डेवलप करने के लिए, मीन्स अगर आपके पास Realme का स्मार्ट वॉच हो, इसका ईयरबड्स हो, फिर जाकर इसका जो अप्लायंसेस आते हैं जैसे कि इसका टीवी आ गया, साउंड बार आ गया, इसका स्पीकर आ गया, इन सभी कुछ को जो है आप कंट्रोल कर पाएंगे इसके वॉच के थ्रू। सारे AIoT डिवाइसेस को जो आप कंट्रोल कर पाएंगे एज अ रिमोट, ये वॉच जो है वो बन जाएगा। तो OTA के थ्रू जो है आपको अपडेट किया जाएगा, सो OTA अपडेट आपको आगे मिल जाएगा। ये वॉच जो है वो IP68 रेटेड है, तो वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट दोनों आपको इसमें मिल जाता है। और इसमें आपको 12 डेज का बैटरी बैकअप मिलता है सिंगल चार्ज पे। इसमें जो बैटरी लगाया गया है वो है 315 mAh का बैटरी इसमें लगाया गया है, और बाहर जिस प्राइस पे लॉन्च किया गया है उसको अगर इंडिया में कन्वर्ट किया जाए तो इसका प्राइस निकल कर आता है 4100 rupees। सो गाइस, मेरा मानना यह है कि प्राइस जो है वो ठीक ठाक है, बट अगर इसका प्राइस जो है वो 3500 के अंदर आता है तो और ज़्यादा जो है वो इसका सेल और हाइप जो है वो बना रहेगा। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।